हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले वैक्सीनेशन के बाद में अगर आपके बच्चे को फीवर आता है तो हमें पैरासीटामोल की ड्रॉप पिलानी है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होगी, और टेम्परेचर को मेज़र करना ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे के पैर पे स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर जस्ट स्वेलिंग है तो आप उस पर आइस का या आइस क्यूब का सेक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन के बाद में वहाँ गिठान बन रही है तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ में चली जाएगी। अगर वो गिठान की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर वैक्सीनेशन के बाद में कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखे, बच्चे के बॉडी पर रैशेज होने लगे, सीजर आए, या फिर वो लिम मूवमेंट कम हो जाए या बंद हो जाए, तो आपको तुरंत एमरजेंसी में बेबी को दिखाना है। थैंक यू।